नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमएसएड न्यूज और मैं हूं श्रृंखला प्रियदर्शनी। पटना पुलिस को मिली सफलता। पटना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधी जमा हुए हैं। शिवम कुमार है जो शास्त्री नगर वकील हत्याकांड का मुख्य आरोपी, अगम कुआं और फुलवारी जैसे कई जगहों में आरोपी है। शिवम बादशाह नामक अपराधी भी हुआ है गिरफ्तार। एक व्यवसायी की हत्या की थी प्लानिंग। गोपालपुर के बड़े कारोबारी की हत्या की प्लानिंग। इनकी गिरफ्तारी आलमगढ़ थाना क्षेत्र से हुई है। शिवम बाइकर्स का भी सदस्य है। एसएसपी पटना ने पुष्टि की शिवम का कई बाइकर्स गैंग से भी है तालुकात। इस तरह की सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराध कर्मी एकत्रित होके कोई अपराधिक घटना जो है उसको अंजाम देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सूचना मिलने पर सिटी एसपी ईस्ट और सेंट्रल के नेतृत्व में जो है एक टीम बनी। टीम के द्वारा जो है सूचना जो मिली थी उस पर जो है अग्रतर छापामारी की जा रही थी। इसी क्रम में दो अपराधकर्मी जो है वो एक पिस्तौल और दो कारतूस के साथ जो है मिले हैं। एक बिना नंबर की स्कूटी इनके पास थी। अपराधकर्मियों की शिनाख्त होने पर इनमें से एक जो है उसका नाम जो है वो है शिवम उर्फ शुभम कुमार और ये अधिवक्ता हत्याकांड जो शास्त्री नगर थाना कांड संख्या 849 और 2018 जो है उसके वांछित अभियुक्त हैं। उसमें जो है इनका शूटर का रोल था। इसके साथ साथ इनका जो है अगम कुआं थाना कांड संख्या 396/17 जो आमजाक का केस है, हत्या और आमजाक का। फुलवारी शरीफ में 392 का कांड, गौरीचक में 394 और अन्य कई सारे जो है हत्या और प्रॉपर्टी का क्राइम, संपत्ति मूलक अपराध जो है इन कांडों में ये वांछित थे। इनके साथ शिवम बादशाह, शिवम कुमार उर्फ शिवम बादशाह जो है वो अरेस्ट हुए हैं। इनका भी अगम कुआं में आर्म्स एक्ट का जो है केस इनके विरुद्ध दर्ज है और गोपालपुर थाना में शराब जो है उसका मध्य के सेवन के संबंधित इनके विरुद्ध केस दर्ज। आगे की खबरों के लिए बने रहे एमएसएड न्यूज के साथ। धन्यवाद।